नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट के विशेष कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किन किन राशियों पर शनिदेव की कृपा होने जा रही है, आइए जानने की चर्चा करते हैं पंडित गजेंद्र शास्त्री जी से। पंडित जी, शनिदेव कब करने जा रहे हैं नक्षत्र परिवर्तन? बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। शनिदेव भगवान जो कि अखंड ब्रह्मांड नायक सूर्य पुत्र हैं, वह 15 मार्च के दिन पौने 11:38 पर नक्षत्र परिवर्तन, सदभिषा नक्षत्र में वो परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिससे कि काफ़ी लाभ प्राप्त होना है। पंडित जी, किन राशियों को शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से लाभ मिलेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये नक्षत्र परिवर्तन में पूरी 12 राशि होती है, 12 राशि में से 4 राशियों को उसमें अधिक लाभ मिलना ही है, क्योंकि ये 30 वर्षों में ऐसा महायोग बन रहा है। सदभिषा नक्षत्र में शनि देवता प्रवेश कर रहे हैं 15 मार्च के दिन, तो वृषभ राशि, सिंह राशि, धनु राशि एवं मकर राशि, ये चारों राशियों को पूर्ण लाभ मिलेगा। और लाभ के साथ उनको जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जैसे कि अपने प्रमोशन होना है या कोई प्लाट खरीदना है या फिर उनका कोई नौकरी में परेशानियां जा रही हैं या फिर उनका कोई धंधा नहीं चल रहा है या इनको बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें जा रही हैं या जो भी परेशानियां हैं, जो भी बच्चों के सवाल हैं, उनके माता पिता के सवाल हैं या फिर उनके परिवार के सवाल हैं या उनके जो बुजुर्गों के सवाल हैं, वो सारे इन स्थिति में ये नक्षत्र परिवर्तन में पूर्ण लाभ मिलेगा। सिर्फ उसको नक्षत्र परिवर्तन का पूरा लाभ लेना चाहिए। जब भी हम कुछ करते हैं तो उसका लाभ लेने के लिए ये समय अति उत्तम है 4 राशियों के लिए। पंडित जी, क्या बाकी की राशियों को शनि देव के नक्षत्र परिवर्तन से कोई लाभ नहीं मिलेगा? बाकी की राशियों को नक्षत्र परिवर्तन से लाभ तो मिलेगा, लेकिन जो 4 राशियां हैं, जो कि प्रथम में वृष राशि हैं, सिंह राशि हैं, धनु राशि हैं, मकर राशि, इनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि जिन राशियों पर शनि आया है तो भय व्याप्त हो जाता है कि इन राशियों पर शनि आ रहा है, इन राशियों पर ढैया चल रहा है, इन राशियों पर 7.5 चल रहा है, तो आदमी डर जाता है। तो ये जो 4 राशियां आई है, इनमें लाभ देने के लिए ही शनि देवता बिल्कुल लाभ देने के लिए चारों राशियों पर नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। 12 राशियों में से 4 राशियों को ही लाभ देंगे, बाकी कर्मों के अनुसार उनको भी जो दूसरी राशियां हैं उनको लाभ जरूर मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पंडित जी, क्या कुछ राशियों को इस परिवर्तन से विपरीत प्रभाव का भी सम्मान करना पड़ सकता है? सम्मान तो खैर ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब भी विपरीत परिस्थिति में जो कर्मों के अनुसार, वो तो शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो तुरंत फल देने वाले भी हैं, तुरंत लाभ देने वाले भी हैं, तुरंत आशीर्वाद देने वाले भी हैं, तुरंत विपरीत परिस्थिति में बिल्कुल वो फल दिए बगैर छोड़ते ही नहीं हैं। उनका काम ही है, न्याय के देवता हैं वो, शंकर जी को भी न्याय, अपने गुरु को भी वो न्याय दिलवाने के पक्ष में रहते हैं, राम जी को न्याय दिलवाने के पक्ष में रहते हैं, जिन जिन भगवान हैं, गणेश जी हैं और शंकर जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबके लिए वो न्याय के देवता बनाए गए हैं। जी बिल्कुल। तो वो बिल्कुल आपको राशियों के अनुसार वो परिवर्तन, राशियों के अनुसार फल जरूर प्रदान करते हैं। पंडित जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे करने से किसी भी राशि के जातकों को शनिदेव का आशीर्वाद मिल सके? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जातकों को सबसे सरल उपाय, सबसे सटीक उपाय, पहले भी बता चुके हैं, छायादान तेल का करें पिछले एपिसोड में, दूसरे में काले घोड़े की नाल की जो अंगूठी के समान वो काली कील रहती है, उसको अपने घर पे लगाने से फायदा होता है जी। लेकिन सबसे बढ़िया है कि नौ ग्रह बलवान है, जहाँ भी नवग्रह हो या घर पर, उनको बारंबार ओम नवग्रहाय नमः, ओम नवग्रह देवताय नमः, ओम नवग्रह देवताय नमः, ओम नवग्रह देवताय नमः, ओम नवग्रह देवताय नमः, 5 मंत्र नवग्रह भगवान के नाम से बोलना चाहिए, जिससे कि अगर राशि परिवर्तन हो रहा है, गुरु परिवर्तन हो रहा है, शनि जैसे अभी हाल सदभिषा नक्षत्र में 15 मार्च को 11:48 पर प्रवेश कर रहे हैं, तो सभी ग्रहों के लिए नवग्रह भगवान को प्रणाम करने से तुरंत भगवान प्रसन्न होते हैं, जिसमें गुरु प्रसन्न होंगे, आपके बुध प्रसन्न होंगे,
शनि प्रसन्न होंगे, राहु प्रसन्न होंगे, केतु प्रसन्न होंगे, इसलिए नवग्रह भगवान को प्रणाम करने से या फिर जो भी नवग्रह मंदिर है वहाँ पर जाकर प्रणाम करने से आपको तुरंत लाभ जरूर ही मिलेगा। जब जब भगवान को अपन जल चढ़ाते हैं या पीपल पे जल चढ़ाते हैं तो वो पेड़ हरा भरा हो जाता है जी, बिल्कुल। तो इसलिए भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं इसीलिए प्रणाम करेंगे तो उसकी जो ओरा मंडल है, भगवान का जो ओरा मंडल बना हुआ है, भक्त उनके शरण में जाएगा, उनके ओरा मंडल में जाएगा तो उसको वैसे ही फल प्राप्त हो जाएगा। पंडित जी, नवग्रह में बच्चों का जल्दी विवाह हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कन्याओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए और सभी के लिए विवाह के लिए सबसे बढ़िया उत्तम उपाय है ब्रह्म बृहस्पते नमः, जो कि बृहस्पति का जाप करें या किसी योग्य पंडित जो आपके आसपास हो या कोई ज्ञानी पंडित जी हो या पीठाधीश्वर हो, पीठ हो जिनका, वहाँ पर गुरु मंत्र का जाप कराएं या स्वयं करें या फिर किसी योग्य पंडित जी से कराएं। लेकिन जब उपाय अपन देख रहे हैं तो उस उपाय को जरूर करना चाहिए जिससे कि आपका लाभ हो, उस प्रश्नों का उत्तर पूरा पूरा मिले, उस बालिका का विवाह हो। और 33 दिन तक सबसे सरल उपाय है, 33 दिन तक शनि भगवान के नवग्रह मंदिर पर जाकर प्रणाम करें। एक ही टाइम पे अगर आप काम करेंगे, मतलब एक समय बना लिया कि 9 बजे के पहले हमें प्रणाम करने जाना है नवग्रह मंदिर, तो 33 दिन तक आप जाएं और नवग्रह भगवान को प्रणाम करें, ये मंत्र बोलें ओम शम शनिश्चराय नमः का या ब्रह्म बृहस्पते नमः का, जो भी आप नवग्रह भगवान का मंत्र जो आपको सरल लगे, अच्छा लगे, वो मंत्र का जाप करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और बच्चों का विवाह जरूर होगा। पंडित जी, शनिदेव की आरती का समय कुछ है जो शुभ हो? शनिदेव की आरती का समय बिल्कुल शाम का समय सबसे अच्छा रहता है, जिसमें कि वो शनि देवता भगवान पूरे फल देने के लिए बैठे रहते हैं। वे शनि देवता तो 24 घंटे फल देते हैं, पर शाम के समय महाआरती हो, आरती हो, संध्या आरती हो, और सुबह भी 8 बजे आरती हो, शाम को भी 8 बजे आरती हो, जिससे कि भक्तगण टाइम से पहुंच जाएं। और वो आरती का मुख्य उद्देश्य यही है कि भगवान उस समय बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं और वो कुछ देने के लिए बैठे रहते हैं, भक्तों को बुलाने की कोशिश करते हैं कि भक्त हमारे आएँ और उस आरती में सम्मिलित होवें और आरती का लाभ लेवें और अपने जीवन को धन्य बनाते हुए धर्म लाभ उठावें। पंडित जी, शनि देव को जो तिल का तेल चढ़ाया जाता है इससे क्या लाभ मिलता है? तिल छाया दान होती है जी, जो कि तेल में पहले भी एपिसोड में बता चुके हैं, फिर से डबल से रिपीट कर रहे हैं उसको कि छाया दान तेल को एक कटोरी में, तांबे की कटोरी में या पीतल कटोरी में, अगर कुछ नहीं है तो लोहे की कटोरी में, इसके बाद भी कुछ नहीं है तो धोने में रखकर उसमें तिल तेल और सब चीज़ काली कील ये डालकर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय 5 बार जाप करें, मंत्र का जाप करें, इसके पहले पूरे घर में उसको घुमा लेवे, इसके बाद शम शनिश्चराय नमः 5 बार बोलते हुए चरणों में चढ़ाने से जी। आपको छायादान पूरा पूरा, छाया का मतलब होता है अपने ऊपर जितने भी कष्ट हैं, अपनी छाया का जो दान है वो पूरा भगवान के श्री चरणों में चढ़ाया जा रहा है, श्री चरणों में चढ़ाया जा रहा है, तो आपको तुरंत उसका लाभ मिलेगा ही सही। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दर्शकों, आशा है आपको हमारा ये प्रोग्राम और जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कार्यक्रम को देखने के लिए बने रहिए पब्लिक फर्स्ट के साथ, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।